हेलो एवरीवन, रोशनी एक्ट को लेके बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, उस पर आज बात करूंगा। उससे पहले मेरा एक वीडियो रोशनी एक्ट पे बनाया हुआ है, उसमें काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वीडियो का लिंक आई बटन में है। जम्मू कश्मीर में सालों से वहां के नेताओं ने दो ही काम किया है, पहला लोगों के मन में भारत के खिलाफ जहर बोना और दूसरा जम्मू कश्मीर के आम लोगों के पैसे को लूटना। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा घोटाला रोशनी एक्ट पे अब सीबीआई ने जांच करना शुरू कर दिया है। शुरुआत में ही कई बड़े नेताओं का नाम का खुलासा हुआ है, इसमें काफी कुछ जानने को मिलेगा। उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने रोशनी एक्ट को पहले ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इसके तहत बांटे गए सभी जमीनों के लेन देन को रद्द कर दिया था और 6 महीने में जमीनें वापस लेने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने इस एक्ट की आड़ में हुए घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई इस जांच में जुटा है कि इस 25,000 करोड़ रोशनी एक्ट स्कैम में लैंड माफिया के साथ साथ किस नेता, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस की मिलीभगत है। मीडिया सोर्स के हिसाब से बड़े पॉलिटिकल लीडर और उसके फैमिली सीबीआई के रडार पे हैं। उसमें से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हसीब ड्राबू और उनकी वाइफ और उनके बेटे भी, कांग्रेस लीडर के अमला और उनकी वाइफ भी सीबीआई के रडार पे हैं। इस घोटाले के बारे में पता 2014 के सीएजी रिपोर्ट में चला था। उस रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि कौड़ी के भाव में जमीन को लैंड माफिया के हाथों बेच दिया गया था। रोशनी एक्ट को पहली बार 2018 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इन इफेक्टिव बना दिया था। हालांकि बाद में हाईकोर्ट में पीआईएल डाला गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने रोशनी एक्ट को नल एंड वॉइड करार दिया और इस एक्ट के तहत जितने लैंड म्यूटेशन हुआ था शुरू से आज तक सबको रद्द करने का आदेश दिया। देखो, जम्मू कश्मीर के नेताओं ने आर्टिकल 370 का जिस तरह से मिसयूज किया है, वहां के लोगों का पैसा लूटा, अब इन सबको जेल जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी जम्मू कश्मीर फिर से स्वर्ग बन सकता है। रोशनी एक्ट पे बहुत अच्छा वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप जाके पूरा शुरू से अंत तक देखें, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।